हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो जैसे कि ये जो ना नसीम है और यहाँ पे मार्केट सब है, देख रहे हो ये कौन सा मार्केट है? अस्सलाम वालेकुम भाईजान। सुख हजाब जो नसीम है और ये दुकान जो है, इसमें क्या सब मिलता है कुछ बता सकते हैं? बहुत कुछ बताएंगे। और ये गैस का ये चूल्हा सब क्या रेट है कुछ बता सकते हैं? ये छोटे वाला सिंगल वाला क्या रेट है? सिंगल वाला, डबलिंग वाला? डबल वाला 70 रियाल का। 70 रियाल का। ये तीन वाला 90 रियाल का। और ये 70 रियाल का। और ये क्या उसमें तावा है क्या? उसके कितने का? ये 120 रियाल। 120 रियाल है। ऊपर वाला वो 190 रियाल। और ये 120 का। और पतीला में क्या रेट है? जैसे कि ऊपर से नीचे तक दो चार छः एक सात 170 रियाल का। हाँ, दो चार छः सात पीस है, लेकिन तीन छः एक सात पीस है। ये -1 है यानी तो 170 रियाल का है। और ये बड़े पतीले का क्या प्राइस है? 150 का, 170 का है। 150 है। इसका क्या है? इसका क्या है? इसका रेट है 170 रियाल। और चलिए ठीक है। मैं और भाई जान, ये क्या है? आटा सानने वाला? ये आटा सानने। क्या रेट है? ये 420। 420 रियाल। वारंटी गारंटी क्या देते हैं कि नहीं? वारंटी गारंटी नहीं है। चलिए अच्छी बात। और दोनों तो एक लिट नहीं। हाँ, गलास है। चलिए ठीक है भाई जान। थर्मस वगैरह का क्या सिस्टम है इसमें? है 120 का, ये जापान का है। ये हाँ 100, यानी कितना और तक गर्म रह सकता है? पानी गर्म डाले तो 24 घंटा बस। और इसमें ये जर्मनी का तो कितना टाइम तक रह सकता है? 15 घंटा। हाँ, इसमें 24 घंटा रहेगा। और ये भाई जान कितने का? ये जापान का। कितने का? इसमें 220-270 का। और यानी कितना घंटा गर्म रह सकता है या ठंडा? 24 घंटा रह सकता है। चलिए अच्छी बात है। और सब रिफ्रेंट है। ये भाई जान क्या गहो बनाने वाला है क्या? ये गहो तो नहीं है। हाँ, कितने का है भाई जान? 17 फीसद। और यहाँ पे देख रहे हो ये कॉफी मिक्सर है, ब्रेड, ये ब्रेड मेकर मशीन है। ओके, तो इसके बारे में यानी उसमें जो है यानी शायद हमारे ख्याल से पकता भी है दोनों काम, यानी ये इसमें जो है रोटी बनता भी है और दोनों काम होता है। यानी रोटी बनता है, बस सेकते हैं भी है कि दोनों काम होता है? नहीं सेकते हैं ना, बस अलग से। हाँ, अलग से बेलना पड़ता है, उसमें सेकना पड़ता है। कितना पड़ा है? 190। लेकिन 220 लिखा हुआ। 220 का डिस्काउंट? हाँ, डिस्काउंट में आ रमजान की वजह से। चलिए ठीक है। और ये कहा वाले का क्या रेट रखे भाई जान? और 220 ये भी है तो उसे मिला के डिस्काउंट ही होगा। और ये इसका क्या गहवा का क्या है? गहवा का क्या रेट रखे हैं? गहवा का 170 रियाल का है। 170 रियाल का, ये 170 का है। चलिए ठीक है। और इसमें यहाँ पे ये थर्मस सब जो देख रहे हो ये सब डिफरेंट है। और चलिए ठीक है, बहुत लंबा हो जाएगा दिखाऊंगा तो। और ये देख रहे हो चाय का कितनी गहवा का लाइन ले जाने वाला जो है सिस्टम, बहुत वीआईपी लोग सब है। और ये लाइन पे जो है ना चाय वगैरह बनाते हैं उसका है अलसाइफ का। और टोटलिंग यानी ज़्यादा मटेरियल जो है ना अभी के दौर में जो अलसाइफ का दिख रहा है, इसमें अलसाइफ मार्केट भी हम आपको सम टाइम दिखाएंगे। और ये चूल्हा कितने का? 220 का है, यानी अभी ऑफर में सनफूड का है। 3 है, 1 स्मॉल है, 2 लार्ज है। तो अभी जो है नॉर्मल प्राइस है, यानी मुमकिन होगा 2190 होगा और डिस्काउंट के हिसाब से अभी। ओके, इतनी चाय का केतली बहुत बड़ा है, ये देख रहे हैं। बहुत सारा सामान है, कुकर भी है और 5 लीटर है। हाफिजा है इसमें, यानी थर्मस हो गया यानी खाना वगैरह रखने का, प्लेट वगैरह भी है, चाय का केतली भी है। ओ चलो ठीक है, तो मैं चलता हूँ आज के लिए। बस इतना, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। ओके।